हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट में डबल लाइन बॉर्डर वाली टेबल कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। अब सबसे पहले जहाँ तक आपको वो डबल लाइन वाली टेबल बनानी है, डबल लाइन बॉर्डर वाली टेबल बनानी है, वहाँ तक के हिस्से को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हमें डबल लाइन बॉर्डर वाली टेबल बनानी है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाइए। ये देखिए, ये है बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। हमको सबसे पहले यहाँ पर जाना है, ठीक है, ये बॉर्डर स्टाइल वाले सेक्शन में, और इसके ड्रॉप डाउन पे बगल में छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, ये है डबल लाइन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि डबल लाइन हुआ नहीं है, तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पर ये बॉर्डर वाला जो ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए डबल लाइन टेबल वाली बॉर्डर वाली टेबल बन गई।